नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक चुनावी सभा में कमलनाथ की जुबान फिसल गई, या कहें वे तारीख भूल गए। उन्होंने चुनाव की तारीख 17 नवंबर के बदले 27 तारीख बोल दिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ सोमवार सुबह इंदौर पहुंचे और जिले के सभी उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिले के समय शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले के सभी विधानसभा के उम्मीदवार मौजूद रहे। मोती तबेला पर कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पंजाब से आए अमरिंदर सिंह, राजा बरार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, शोभा ओझा समेत तमाम उम्मीदवार साथ रहे। कमलनाथ ने कहा कि इंदौर की एक खास खूबी है, इंदौर के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते नहीं, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। मेरा पुराना संबंध है, मुझे याद है 1975 से लेकर कितनी दफा मैं यहाँ आया हूँ। एक नौजवान था, आज भी नौजवान हूँ। ये विधानसभा चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के आज की तस्वीर सबके सामने है। ये शिवराज या गठराज किस तरह प्रदेश को ठगा है, 18 साल में सब कुछ चौपट किया है। मध्य प्रदेश का हर नौजवान भ्रष्टाचार का शिकार है या फिर भ्रष्टाचार का गवाह है। हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी पर कमलनाथ ने जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखते हैं। आज नामांकन भी भरवा रहे हैं? नामांकन भर रहे हैं हमारे उम्मीदवार, उनको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। राजनाथ सिंह सर कल आए थे इंदौर, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी हैं। शुरुआत कैसी भी हो लेकिन फिनिशिंग अच्छी करते हैं। फिर वो अब राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। कि आपको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं देना, आप तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। इंदौर की ये खास खूबी है, इंदौर के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। बहुत पुराना संबंध है, मुझे याद है 75 से लेके कितनी दफे मैं यहाँ आया हूँ। एक नौजवान था, आज भी नौजवान हूँ। कितनी दफे मैं आया हूँ आप सबके बीच में, पुरानी यादें आती हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं नगर निगम के, नगर निकाय के, जनपद के, जिला पंचायत के, सबके अपने मायने होते हैं। 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है, जीता है, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पर ऐसा चुनाव जो 17 तारीख को है, इस चुनाव का क्या मायने है। ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर आप सबके सामने है, ये शिवराज या ठगराज, किस तरह हमारे प्रदेश को ठगा है। 18 साल सब कुछ चौपट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, सुनते जाइए, यही किया था, कहते 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। इन्वेस्टमेंट तो, निवेश तो तब आता है जब लोगों को विश्वास होता है। आप डिमांड नहीं कर सकते, निवेश आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। मेरा प्रयास था जब मैं मुख्यमंत्री था कि मध्य प्रदेश की एक छवि बनाऊं, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से या माफिया से नहीं हो सकती। हमने यह कार्यक्रम करने की बात करी, मैंने यह सम्मेलन किया उद्योगपतियों का, इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया, सब आए, सबको परिचय दिया एक नए मध्य प्रदेश का, सबने आश्वासन दिया, पर उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। सही बात है, गवाह है या शिकार है मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति। और ये जो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बन गई है, पैसे दो काम लो, जिले जिले में मैं जाता हूं, सुनता है, कल मैं रायसेन और विदिशा में था, सुनता हूं कितना भ्रष्टाचार है, पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो, ये इतना भ्रष्टाचार है।
तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, इस चौपट प्रदेश जो शिवराज सिंह जी ने बनाया है, चौपट प्रदेश बनाया, सब चीज चौपट, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमारा निवेश हो, और सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। आज का ये भटकता हुआ नौजवान, नौजवानों में आज इतना जोश है, नौजवानों की आज अपनी सोच है। आज का नौजवान कोई ठेका कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और 1 करोड़ नौजवान आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, 1 करोड़ नौजवान। शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों का रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं कि आप 1 लाख की बात छोड़िए, जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए पहले, वो भी नहीं भरेंगे। इनकी घोषणा की मशीन, झूठ की मशीन आजकल पिछले 5 महीनों में तो डबल स्पीड पर चल रही थी, इतने साल तो चलती रही इनकी ये दो मशीनें, पिछले 5 महीनों में डबल स्पीड पर चली है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, आप 17 तारीख को जो बटन दबाएंगे, मध्य प्रदेश का मतदाता जो 27 तारीख को एक बटन दबाएगा, वो केवल 17 तारीख को जो बटन दबाएगा, वो बटन केवल एक उम्मीदवार का नहीं होगा, इन नौजवानों के भविष्य का होगा, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का बटन होगा, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन होगा। और आपसे अंत में एक बात कहता हूं कि कांग्रेस का साथ मत देना, कमलनाथ का साथ मत देना, तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मध्य प्रदेश सुरक्षित रखेंगे। विशाल पटेल कहाँ गए, इतने पीछे खड़े हो गए, तो विशाल पटेल जी हमारे बीच में हैं, हमारे दूसरी दफे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सब उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं, ये मैं चाहता हूं कि जब परिणाम आए विधानसभा में सबसे ऊंचा झंडा हमारा इंदौर जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।